सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन फ्रॉम BHUAG। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं BHU BSCAG 2020 की कट ऑफ के बारे में कि कितना कितना जो है कट ऑफ था कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ जो है कितना सीट्स था कैटेगरी वाइज, जो है कितने कितने सीट्स हैं BHU के मेन कैंपस में और जो है RJC में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यार जो है ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ जिसमें कि जिस पिछले 3 साल के यानी कि 2019, 2019 और 2018 में जो है एग्जैक्टली कितने मार्क्स पे BHU के BSCAG में जो है एडमिशन हुआ था, उस पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और उस वीडियो का जो लिंक आपको इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं यदि आप पिछले 3 साल का जो है कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स पे जो एडमिशन BHU के मेन कैंपस में होता है, तो आप वो भी वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ के 2020 के जो है कि कितना कितना जो है कट ऑफ था कैटेगरी वाइज, जो है कट ऑफ कितना कितना था। तो यार वो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो जनरल में जो है कट ऑफ की बात करें तो ये जो था 193 जो मार्क्स था ये कट ऑफ था जनरल के लिए। ये जो है 2020 का कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है वो 2020 का कट ऑफ है, ठीक। उसी तरह से हम बात करें EWS की, तो EWS में जो था 185 था, और OBC दोनों का ही जो है इस बार सेम था, बराबर था, तो इसका भी जो है 185 था। नेक्स्ट है SC, तो SC का जो था वो 140 था, 140 जो है कट ऑफ था। और ST का जो था वो 128 मार्क्स था। और पेड सीट का, तो पेड सीट का देखो यार, पेड सीट का जो है कटअप कभी भी जो है नहीं डिसाइड होता है, क्योंकि पेड सीट जैसे ही जनरल सीट्स भर जाते हैं उसके बाद जो है तब उसके बाद उनसे जस्ट मार्क्स नीचे जिसका होता है उनको जो है पेड सीट के लिए बुलाया जाता है। तो ये हर साल डिसाइड होता है जनरल सीट्स पे कि जनरल जो है सीट कितने पर भर गए उसके बाद जो बुलाया जाता है, तो इसका जो है कट ऑफ मार्क्स जो है नहीं पता, मतलब कभी भी कट ऑफ जो है नहीं डिक्लेयर होता। और बात करते हैं कि 2020 में जो है कितने कितने सीट्स हैं RJC और जो है BHU के मेन कैंपस में, क्योंकि यार देखो एग्रीकल्चर जो है BHU में दो जगहों पर चलता है, BHU के एक तो मेन कैंपस यानी बनारस में, और दूसरा जो है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में भी जो है RJC के नाम से जो है कैंपस है, BHU का ही कैंपस है, तो उसके अंदर भी जो है एग्रीकल्चर के कोर्स चलता है, तो दोनों के अंदर जो सीट्स अलग अलग नंबर में होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि सीट्स कितने कितने थे 2020 में। तो जनरल कैटेगरी से बात करें तो इस मेन कैंपस में जो है 62 सीट था, वही RJC में जो है 20 सीट्स थे। नेक्स्ट है EWS, तो EWS के जो है सीट्स मेन कैंपस में जो है वो 15 है, और वहाँ RJC में जो था वो 5 था। वहीं OBC में बात करें तो OBC में जो है यहाँ पर सीट जो है 42 सीट्स है, और जो है वहाँ पर बात करें मिर्ज़ापुर में तो वहाँ पर है 13 सीट्स है। उसी तरह से है SC के अंदर जो है 23 सीट है, और ST के अंदर जो है 12 सीट है मेन कैंपस में, और यहाँ पे जो है 8 सीट है, और यहाँ पे जो है 4 सीट है। तो ये जो हो गए कुछ RJC के और मेन कैंपस के जो है ST के टाइम तक। और हम पेड सीट की बात करें तो पेड सीट जो है आपको जो है बता दें कि पेड सीट केवल BHU के मेन कैंपस में होता है, और इसका जो है नंबर है 23 सीट है केवल, RJC में जो है एक भी सीट नहीं है। तो ये कुछ सीट हो गए मेन कैंपस का, और मतलब कि और ये जो हो गया RJC का सीट हो गया। तो ये दोनों जो है सीट्स हो गए 2020 का, और ये जो है कट ऑफ मार्क्स हो गया आप कैटेगरी वाइज, यहाँ से देख सकते हो कि ये कट ऑफ मार्क्स है कैटेगरी वाइज। तो ये कुछ जो था कट ऑफ था BHU BSCAG 2020 का, और जो है एग्जैक्टली आप जानना चाहते हो कि कितने मार्क्स पे जो एडमिशन हुआ था, क्योंकि ये जो थी एक तो कट ऑफ मार्क्स था, लेकिन एग्जैक्ट कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था तो उस पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जो है वीडियो आप जाके नीचे देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और वहाँ से जो है उसमें कंपेयर भी किया हुआ है कि पिछले 3 साल में कितने मतलब कैसे कैसे एडमिशन हुआ है, तो आप वहाँ से जाके डिटेल में देख